गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। भाई टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, मेरे घर के कबूतरों की ब्रीडिंग प्रोसेस कंप्लीट। तो इसका मतलब यह है कि अब से 35-40 दिन पहले मेरे कबूतरों ने जितने भी जोड़े थे उन्होंने अंडे वगैरह दिए थे, बच्चे निकले थे, तो भाई वो अब बड़े हो गए हैं। कुछ बच्चे 20-25 दिन के हैं तो कुछ बच्चे 30-35 दिन के हैं। उनमें से कुछ अंडे ख़राब भी हुए थे तो कुछ बच्चे भी मरे थे। तो भाई कुल मिला के अब जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन जितने भी बच्चे सक्सेसफुली बड़े हो गए हैं उनका शौक कराऊंगा। और भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं वन बाय वन आपको हमारे यहाँ कौन कौन से बच्चे बड़े हो रहे हैं और स्वस्थ हैं। तो भाई सबसे पहले इस बच्चे को देख लो आप, ये बच्चा सबसे बड़ा है। एक इसके साथ का ही था, वो मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो और भाई पिछली वीडियो में मैंने इसको कैच कर दिया था, 2-3 कुंदे छोड़े थे लेकिन एक कुंदा बाद में काट दिया था, क्योंकि ये उसके बावजूद भी इसमें इतनी ताकत है कि दीवार पर बैठ रहा था, तो मैं नहीं चाहता ये दीवार से नीचे गिर जाए दूसरी साइड। तो भाई एक बच्चा ये है, इसको छोड़ देते हैं। और भाई ये दूसरा बच्चा है लाल तामड़ों का, ये देखो कितना प्यारा हो गया, बाजू देख लो इसकी, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और अभी से हाथ आना बंद हो गया है, उड़ जाता है, देखो ताकत लगा रहा है। तो भाई इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बच्चा 25 दिन का है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, तो इसको छोड़ देते हैं। एक बच्चा ये है भाई लल सिरों का, इसके नाक पे चेचक निकल गई थी लेकिन इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं। तो भाई अभी आँखों में इनकी निखार नहीं आया, जब बड़े हो जाएंगे तब एक वीडियो फिर बनाएंगे। और भाई इसके पंख, इसकी बाजुओं का शौक कर लो भाई, बहुत प्यारा बच्चा है। एक बच्चा इनका भी मर गया था, तो भाई दो एक एक बच्चा दोनों जोड़ों का मर गया था, ये वो बच्चा है भाई, बहुत प्यारा बच्चा है, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। एक बच्चा ये है भाई, बहुत छोटा है, हालाँकि ये लाल तामड़ों के साथ का ही है बच्चा, वाइट आंखों का निकल रहा है, बहुत प्यारा सहारनपुरियों का बच्चा है। और ये मुझे मेरे दोस्त ने अंडे दिए थे एक ने, तो भाई इसमें भी एक अंडा ख़राब हो गया था और एक बच्चा सक्सेसफुली निकल गया था, बहुत प्यारा बच्चा है, परों का शौक कर लो भाई इसके, और ताकत है इसमें भी भाई। हैंड फीडिंग कराता हूँ मैं 4-5 बच्चों को, ये देखो, और दुम देखो इसकी, काली दुम का है, बहुत प्यारा बच्चा है, इसको छोड़ देते हैं। एक बच्चा ये है भाई, ये गोरी का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है अभी तो, लेकिन चलो कोई नहीं, आप इसका शौक कर लो, वीडियो बना ही रहे हैं तो दिखा देते हैं। तो भाई गोरी का भी एक अंडा ख़राब हो गया था, और वैसे भाई एक ही बच्चा ढंग से पलता है, आप लोग अगर कबूतरों का शौक करते होंगे तो आपको पता होगा, ये गोरी का बच्चा है, ना माँ पे है ना बाप पे है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, शानदार एकदम, अब देखेंगे बड़ा होके कैसा होगा। और भाई एक बच्चा ये है, ये पंजाबी जोड़े का बच्चा है, लेकिन ये ना माँ पे है ना बाप पे है, और भाई बाजू देख लो कितनी बेहतरीन है इसकी अभी से ही, अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, 35 दिन का बच्चा है, आँख का शौक कर लो, ये देखो आँख में भी निखार आ रहा है, मुझे लग रहा है ये ताखा निकलेगा, वाइट चोंच का है, बहुत ही लंबा धड़ंगा बच्चा है, और भाई बहुत प्यारा बच्चा है। इसके साथ का इसका भाई या बहन जो भी है अभी कन्फर्म नहीं हो पाया, लेकिन जो इसके साथ का है दूसरा बच्चा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई इसके साथ का बच्चा, बहुत ही प्यारा कलदुमा बच्चा है, प्योर कलदुमा, और ये समझ में नहीं आया ये कलदुमा बच्चा कैसे आ गया इनके जोड़े में, क्योंकि जोड़े में ना तो माँ कलदुमी है ना बाप कलदुमा है। और भाई इसकी आँख भी निखर रही है, बहुत प्यारी आँखों का बच्चा है ये, और जैसा बड़ा हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे भाई। ये और ये दोनों भाई भाई बहन 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 भाई जो भी होंगे बड़े होके पता लगेगा, अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो देख लो भाई इनका शौक कर लो आप, बहुत प्यारे बच्चे हैं, चलो इनको छोड़ देते हैं। ये देखो, और ये बच्चा बहुत ही चंचल है। एक बच्चा ये है भाई जो मैं अभी बता रहा था, बढ़िया बच्चे निकाले हैं, बहुत ही बढ़िया बच्चे पाल रहा था ये, लेकिन अब दोबारा से मीटिंग इनमें स्टार्ट हो गई, तो भाई बच्चे ही हैं, दोनों बच्चे मुझे पालने पड़ रहे हैं, मैं इनको हैंड फीडिंग कराता हूँ, और हैंड फीडिंग में मैं इनको क्या खिलाता हूँ आपको अपनी आने वाली वीडियो में भाई ज़रूर बताऊँगा। और एक बच्चा ये है, ये बहुत छोटा बच्चा है और कमज़ोर से ही हैं इसके बच्चे, जब से मैंने हैंड फीडिंग पे इनको खाना खिलाना शुरू किया है तब से थोड़ी ग्रोथ हुई है। तो भाई दो बच्चे ये हैं और मेरे पास
7-8 बच्चे निकल रहे हैं, तो भाई चलो इनको छोड़ देते हैं। ये भाई नाजुक से प्यारे से बच्चे, ये देखो बच्चा बहुत तेज़ है ये भी। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।